हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू हैव ऑल कंप्लीटेड योर फेयर वर्क अप टू लेसन नंबर 3 इन योर इंग्लिश मेन कोर्स बुक ऑफ स्टैंडर्ड 4। आपने स्टैंडर्ड 4 के अपने इंग्लिश मेन कोर्स बुक के 3 लेसन्स के फेयर कंप्लीट कर लिए होंगे। वर्ड मीनिंग, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर एंड अदर एक्सरसाइज एक्टिविटीज। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू The first page of lesson number 4, The King Who Wanted to Touch the Moon. This story is taken from a Caribbean folk tale. ये स्टोरी एक करेबियन फोक टेल से ली हुई है और वो राजा जो चांद छूना चाहता था। आज मैं इसका एक पेज, फर्स्ट पेज, पेज नंबर 25 एक्सप्लेन करूँगी। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, आई एम टेलिंग यू ए स्मॉल स्टोरी ऑफ ए फूलिश किंग। लेसन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ मूर्ख राजा से संबंधित। वंस देयर लिव वॉज अ प्राउड एंड फूलिश किंग। एक बार एक बहुत घमंडी और मूर्ख राजा रहता था। ही लव्ड टू वियर न्यू क्लोथ्स। उसे नए कपड़े पहनना बहुत पसंद था। वन डे, एक दिन, टू टेलर्स केम टू हिज कोट। एक दिन दो दर्जी वो होते हैं जो कपड़े सिलते हैं, तो एक दिन दो दर्जी उसके दरबार में आए। दे सेड दे कुड मेक क्लोथ्स दैट ओनली द वाइज कुड सी। उन दोनों दर्जियों ने बताया कि वो वैसा कपड़ा बुन सकते हैं जो सिर्फ बुद्धिमान लोग देख सकते हों। द किंग आस्क्ड देम टू मेक अ सेट ऑफ क्लोथ्स फॉर हिम। तो राजा तो मूर्ख था ही, तो राजा ने उनको दोनों दर्जियों को आदेश दे दिया कि ठीक है, तुम लोग मेरे लिए ऐसा एक कपड़ा बनाओ। अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों के बाद, द टेलर्स ब्रॉट द क्लोथ्स एंड हेल्प द किंग पुट देम ऑन। दोनों दर्जी आए, दोनों दर्जियों ने कपड़े राजा को दिए, उसे पहनाने में उसकी मदद की। द किंग कूडेंट सी द क्लोथ्स। राजा को कपड़े दिखाई नहीं दे रहे थे। बट ही डिडंट से सो, लेकिन उसने वो कुछ नहीं बोला। बिकॉज देन द टेलर्स वुड थिंक ही वॉज फूलिश, क्योंकि वो सोचता था कि अगर वो कहेगा कि कोई कपड़ा नहीं दिख रहा है तो जो दर्जी है वो मुझे मूर्ख कहेंगे। क्यों मूर्ख कहेंगे? क्योंकि दर्जियों ने पहले ही बता दिया था कि मूर्ख लोगों को वो कपड़े दिखाई नहीं देंगे। द किंग वेंट फॉर ए वॉक। तो राजा सैर के लिए निकला। पीपल वर सरप्राइज्ड टू सी द किंग विदाउट हिज क्लोथ्स। जो लोग थे राज्य निवासी थे, वे सब आश्चर्यचकित हो गए, राजा बिना कपड़ों के हैं। बट एवरीवन न्यू दैट इफ दे सेड दे कुड नॉट सी द न्यू क्लोथ्स, अदर्स वुड थिंक देम फूलिश। लेकिन हर कोई जानता था कि अगर वो कहेगा कि उन्हें कपड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं तो दूसरा जो है उसे मूर्ख समझेगा, क्योंकि दर्जी ने ये बात फैला दी थी कि मूर्ख लोगों को कपड़े दिखाई नहीं देते हैं और कोई भी मूर्ख नहीं कहलाना चाहता था। सडनली ए चाइल्ड शाउटेड। अचानक उस भीड़ में से एक बच्चा चिल्लाया, वेयर आर द किंग्स क्लोथ, राजा के कपड़े कहाँ हैं? एंड स्टार्टेड लाफिंग, और हंसने लगा। एवरी वन लाफ्ड विद हिम, हर कोई उस बच्चे के साथ हंसने लगा। द किंग रैन बैक टू हिज पैलेस, राजा अपने महल वापस दौड़ा। ही वॉज नो लॉन्गर प्राउड एंड ही बिकेम ए गुड रूलर। फिर उसने कभी कोई घमंड नहीं किया और वो एक अच्छा शासक बन गया। हेयर इज द स्टोरी ऑफ अनदर फूलिश किंग, रीड वॉट ही डिड इन हिज फॉल्स प्राइड। तो यहाँ इसी तरीके के एक मूर्ख राजा की कहानी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि अपनी मूर्खता में उसने क्या किया। लॉन्ग एगो,
बहुत समय पहले देयर लिव्ड ए प्राउड एंड फूलिश किंग, एक मूर्ख और घमंडी राजा रहता था। ही वॉन्टेड टू बिकम द बेस्ट किंग इन द वर्ल्ड, वह चाहता था कि वह दुनिया का सबसे सबसे अच्छा राजा बने। पेसिंग अप एंड डाउन हिज रूम वन नाइट, ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एंड सॉ द मून। तो एक रात वो अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था यहाँ से वहाँ, तो चहलकदमी करते हुए उसने खिड़की से बाहर देखा, उसे आसमान में क्या दिखाई दिया, चांद दिखाई दिया। ही डिसाइडेड दैट ही वुड बिकम द फर्स्ट मैन टू टच द मून, उसने फैसला किया, क्या फैसला किया, कि वो सबसे पहला व्यक्ति बनेगा जो चांद को छुएगा। ही समन्ड द रॉयल कारपेंटर एंड सेड, उसने अपने राजसी बढ़ई को बुलवा भेजा और उसे कहा, आई वॉन्ट यू टू बिल्ड अ रियली टॉल टावर, मैं चाहता हूँ कि तुम एक लंबी वास्तविक लंबी मीनार बनाओ। इट मस्ट रीच अप इन टू द स्काई, वह आसमान तक पहुँचनी चाहिए। आई वॉन्ट टू टच द मून, मैं चांद को छूना चाहता हूँ। तो ये था स्टूडेंट्स इस लेसन के पेज नंबर 25 का एक्सप्लेनेशन। राजा ने बढ़ई को बुलवा भेजा और बढ़ई को बताया कि मेरे लिए तुम एक लंबी मीनार बनाओ। अब बढ़ई लंबी मीनार बनाता है कि नहीं बनाता है, और बनता भी है तो कैसे बनता है, और क्या राजा चांद को छू पाता है, हम पढ़ेंगे और समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को बार बार सुनिए, बार बार देखिए, लेसन को रीड आउट करिए। इससे रिलेटेड, इस पेज से रिलेटेड मैंने कुछ एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ सेंड कर दी हैं, उन्हें सॉल्व कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।